हाय, दिस इज एस के गिरी, करियर डेवलपर स्पीकर एंड क्यूएमएस ट्रेनर। आई हार्टली वेलकम यू ऑल ऑन दिस सोशल मीडिया। हियर आई वांट टू रिमेंबर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इन दिस सेशन टुडे वी विल लर्न डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, वी नो, हम जानते हैं कि QC एंड QA इज पार्ट ऑफ QMS। QC क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड QA क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ओरिएंटेड एंड QMS इज ऑल्सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इवन एवरीथिंग इज क्लियर हियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नाउ मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हैंडल्स द ऑर्गेनाइजेशन विथ कंट्रोलिंग पीपल एंड थिंग्स। द डेफिनेशन विल बी, मैनेजमेंट आर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू मेन पिलर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का दो पिलर होता है, एक होता है इफिशियंसी एंड दूसरा पिलर होता है इफेक्टिवनेस। द मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर डिफ्रिशिएट द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड ऑल्सो मैनेजमेंट गुरु पीटर डकर नोन फॉर स्मार्ट गोल। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क इन राइट अवे। इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क इन राइट अवे, मतलब काम को सही तरीके से करना इफिशियंसी होता है। नाउ इफेक्टिवनेस मीन्स Doing the right task, मतलब सही तरीके से काम करना। और efficiency का formula होता है input upon output, जबकि effectiveness का formula होता है only target। Now we can take an example of efficiency and effectiveness। Efficiency कहता है कि I will complete this job with minimal resources, जबकि effectiveness कहता है कि I will complete this job in 2 hours, मैं इस काम को 2 घंटे में कर दूंगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि efficiency कहता है कि मैं fewer resource में अपने काम को पूरा करूंगा, जबकि effectiveness कहता है कि मैं अपने काम को जितना भी रिसोर्स लगे लेकिन मैं 2 घंटे में कर दूंगा। तो इफिशियंसी इज द रिसोर्स बॉन्ड, जबकि इफेक्टिवनेस इज द टाइम बॉन्ड। इफिशियंसी जो है प्रेजेंट है, जबकि इफेक्टिवनेस जो है फ्यूचर है। इफिशियंसी फोकस्ड ऑन प्रोसेस, इफिशियंसी जो है केवल प्रोसेस पर फोकस करता है, जबकि इफेक्टिवनेस जो है गोल पर फोकस करता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इफिशियंसी का, तो यह कहता है कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करना और मिनिमम रिसोर्स को लेकर अपने काम को पूरा करना, मतलब कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस है इफिशियंसी। जबकि ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस का टू अचीव एंड रिजल्ट्स, मतलब किसी भी तरह रिजल्ट को अचीव करना इफेक्टिवनेस है। इफिशियंसी जो है कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करता है, इफिशियंसी बढ़ाता है। 100 रुपए की चीज को वो 60 रुपए में बनाना चाहता है, जबकि इफेक्टिवनेस जो है 100 रुपए टारगेट को अचीव करता है, चाहे 100 रुपए से ज्यादा क्यों ना लग जाए। उसका मतलब है एनी हाउ अचीव द टारगेट, दैट मीन्स इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब है यूज द मिनिमम रिसोर्सेस, दैट मीन्स इफिशियंसी। बट बोथ आर, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। दोनों के बगैर मैनेजमेंट नहीं चल सकता है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, एक के बगैर एक नहीं चल सकता है। तो मैनेजमेंट जो है दोनों पर डिपेंड होती है। गोल मैनेजमेंट जो होती है गोल ओरिएंटेड होती है, और उसके लिए दोनों इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जरूरी है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।